आदरणीय पंत जी, आज के सूत्र का सार यही है, मतलब कि हर मतलब हमें हर क्षण यथाभूत रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल हर बिल्कुल यथाभूत। यथाभूत ज्ञान दर्शन रखना बहुत जरूरी है। मतलब आप चाहे जो भी कर रहे हो, आपको अगर आप यथाभूत रहोगे तो आप उसमें बह नहीं जाओगे, ऐसे इसका मतलब होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे मतलब ये इम्पोर्टेंट नोटिस करने की चीज है कि उसमें अगर हम लिप्त हो रहे हैं, हम लिप्त हो रहे हैं कामों में, रूपों में या फिर वेदना में, उसका आस्वाद ले रहे हैं ना, तो आस्वाद लेते वक्त अगर उसके दुष्परिणाम को, उसके अधीनों को कंटेम्पलेट किया है ना, मतलब कि आस्वाद ले रहे हैं और उसके आदिनों के बारे में हमने विचार किया, उसका जो है अनित्य संज्ञा किया, दुख संज्ञा किया, आदिनव संज्ञा ये किया, अशुभ भावना का विचार किया, तो उस समय में हम निस्सरण आदिनव को जानेंगे और आदिनव जानने से क्या हो जाएगा कि फिर उसका परित्याग होना शुरू हो जाएगा, है ना। जब तक जी हम आदिनव नहीं जानेंगे, आस्वाद उत्पन्न हो रहा है उसके आस्वाद के साथ ही हमें आदिनव को जानना है, और जब हम आदिनव को जानेंगे तब क्या हो जाएगा, उसका निस्सरण होता चला जाएगा। तो इसीलिए भगवान ने जब अशुभ भावना का भी बारे में बताया है ना, कि जब समझो जो निवरण है, निवरण का प्रहण करने का भी भगवान ने बताया कि जैसे काम छंद उत्पन्न हो रहा है या फिर जी किसी के प्रति वासना उत्पन्न हो रही है, तो जी यह क्या है, आस्वाद है ना, आस्वाद उत्पन्न हो रहा है, काम काम वासना उत्पन्न हो रही तो सुख सा लगता है, तो जब यह आस्वाद उत्पन्न हो तब उस समय में ही अशुभ भावना करनी होती है, और अशुभ भावना करनी है ना, अनेक प्रकार से शरीर गंदा होता है, उसमें अशुभ ही अशुभ है, मर जाता है, इस प्रकार से उसका आदिनव के बारे में चिंतन मनन करेंगे तो जो काम छंद उत्पन्न हुआ है उसका प्रहार होता चलो होता जाएगा, है ना। तो इसीलिए जब जब आस्वाद उत्पन्न हो तब तो उसके दुष्परिणाम को जानेंगे, जी दुष्परिणाम को जानेंगे तब वो छूटता चला जाएगा, उसका परित्याग हो जाएगा, क्योंकि वो चित्त जानेगा, अपने आप जानेगा कि इसमें कुछ है ही नहीं, है ना, उसमें सब क्या है कि खोखला है सब, इस प्रकार से शून्य है सब, शून्य शून्य जानने से, उसमें कुछ नहीं है ऐसा जानने से उसका छंद राग उत्पन्न नहीं होगा, यही राग उत्पन्न नहीं होगा, यही क्या है उसका निस्सरण, और यह निस्सरण होने की प्रक्रिया को जानना वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, निस्सरण हो रहा है हो रहा है हो रहा है यह चीज नहीं, लेकिन वो प्रोसेस हो रही है, तो प्रोसेस कैसे हो रही है, कैसे कामचंद उत्पन्न हुआ, कैसे मैंने आदिनों को जाना और कैसे निस्सरण हुआ, ये तीन चीजों को कंटेम्परेट करना, उसके मीमांसा करते रहना, चिंतन मनन करने से क्या हो जाएगा, वह पूरा कंप्लीटली तौर पर हम उसका ज्ञान यथावत ज्ञान जान पाएंगे, है जी ना। तो इसी जी को विपस्सना कहते हैं, और जी विपस्सना में काया के प्रति जो आदिनव है आस्वाद है, वेदना के प्रति आदिनव आस्वाद है, चित्त के प्रति आदिनव आस्वाद है, या फिर धर्म के प्रति आदिनव आस्वाद है, तो उसका जी निस्सरण करते 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 काया के जो संस्कार है वो छूटेंगे, वेदना के संस्कार छूटेंगे, चित्त के संस्कार छूटेंगे और धर्म के संस्कार छूटेंगे, तो यह क्या है, ठीक तरह से विपस्सना वहां पे हो जाती है। तो आदरणीय पंत जी, मतलब ऐसे कि मान लो अगर आपके चित्त पर कोई विकार जागा और आपने उसे जानना शुरू किया, जैसे हम कहते हैं, तो जैसे हम जानते हैं कहीं ना कहीं उसका जो हमारे ऊपर जो प्रभाव रहता है वो धीरे 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 कम होने लग जाता है। मतलब जैसे हाँ अगर नहीं मेरे मेरे चित्त पर मान लो अगर क्रोध जागा है और मैं जानता हूं कि मेरे चित्त पर क्रोध जागा है और मैं उसके प्रति बहुत सजग हूँ, तो धीरे धीरे उस मतलब उसकी पकड़ मेरे जब मतलब मन से धीरे धीरे कम हो जाती है, ऐसे मतलब ऐसे हम कह सकते हैं। हाँ ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ये जो है मैंने ठीक जो अनिच्छा का भाव, अनिच्छा का अर्थ समझाते हुए कहा था कि हमें जी केवल वो नष्ट हो रही है ऐसा नहीं जानना है ना, जी इसीलिए तो मैंने क्या कहा कि जब वो उत्पन्न हो तो उसके अपोजिट जो साइड है, उसके जी अपोजिट साइड मान के अनुकूल अनुकूल हो रहा है ना, तो अनुकूल का प्रतिकूल अपोजिट अगर देखेंगे, अपोजिट का भी कंटेम्प्लेट उसके साथ साथ करेंगे, तब जी जाके सही मायने में निस्सरण होगा, है जी ना। आदमी यहाँ पे हम जान रहे हैं केवल उत्पन्न हुआ, समझो क्रोध उत्पन्न हुआ है, तो जानने से थोड़ा तो कम होगा इंटेंसिटी, लेकिन वो धीरे देर से फिर देर नष्ट भी हो जाएगा, जी नष्ट हो गया, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो भविष्य में उत्पन्न नहीं होगा, करेक्ट है करेक्ट ना, जाना जी ना जाना, उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ जाना, लेकिन
गारंटी हम तब दे सकेंगे, कब देंगे गारंटी पता है, कि जब हम क्रोध उत्पन्न हुआ जाना है ना, उसके साथ उसका अपोजिट साइड, अभी क्रोध क्या है, क्रोध इटसेल्फ आधीनव है, तो उसके अपोजिट साइड को हमने जानना है कि मैत्री को उत्पन्न करना मैत्री। हाँ है जी ना, उसके अपोजिट को मैत्री को उत्पन्न किया तो क्रोध नष्ट हुआ, जी तो नष्ट होने का कारण क्या है यहाँ पे, मैत्री है। मैत्री है जी। वो ये जो है क्रोध छूटा, क्रोध का निसरण क्यों हुआ, मैत्री की वजह से उत्पन्न, मैत्री की वजह से मैत्री की वजह से क्रोध का निसरण हुआ, तो ये जी प्रोसेस हमने जानी, तो ये प्रोसेस जानना ही सही मायने में अनिच्छा अनुपस्य विहति, अनिच्छा का बोध उत्पन्न करना है। और फिर जब भी फ्यूचर में क्रोध उत्पन्न होगा तुम्हें यो प्रोसेस पता है कि हाँ फटाक से मैत्री भावना उत्पन्न करने कैसी करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फटाक से उत्पन्न करेंगे तो फटाक से निस्सरण हो, है ना, तो ये सही मायने में कंटेम्प्लेशन है, उसको वो खत्म हो जाएगा, ये कंटेम्प्लेशन नहीं, खत्म क्यों हो रहा ये कंटेम्प्लेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विपस्सना करते हुए। तो हमें समझना है कि यहाँ पे सही वर्ड यूज किया है कि वेदना, वेदना का आस्वाद लेते हुए आधीनव को जानता है ना, और जी आधीनव का आधीनव को जानते हुए निस्सरण को जान रहा है ना, माने कि आस्वाद लेते हुए आधीनव को जान रहा है कि हाँ ये उसका मतलब आस्वाद ले रहा है कामों का, उसका विपरिणाम प्रतिकूल साइड जानी, अपोजिट साइड जानी, अपोजिट साइड जानने से जो निस्सरण हो रहा है उसको भी जान लिया, तीन तीन चीजों को जान लिया, आधीनव को जान लिया, फिर उसके सॉरी आस्वाद को जान लिया, फिर आधीनव को जान लिया, और फिर उसका जो प्रोसेस चल रहा है निस्सरण का उसको भी जान लिया। तो निस्सरण की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो निस्सरण क्यों हो रहा है वो जानना इंपॉर्टेंट है, तो फ्यूचर में जब कभी वो जनरेट होगा तो उसका निस्सरण हम कर पाएंगे, तो ये करना पड़ता है, पठि निसर्ग अनुपस्थिति उसको करते हैं, तो उसकी भावना करनी पड़ती है, तो इस जी प्रकार से हमें समझना है। जी साधु साधु साधु। विवेक जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। विवेक जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। वंदामी आदरणीय बंधु जी, मंगलो बंधु जी मेरा क्वेश्चन है, जैसे ना वेदना हमारे मतलब बॉडी में आती है और महसूस भी करते हैं उसको, तो पहले ना अगर मतलब वेदना पहले आती है या कोई थॉट पहले माइंड में आता है, पहला क्वेश्चन मेरा ये है। अच्छा, तो पहले तो कैसा होता है कि ये एक्चुअली ये जो प्रोसेस है उसमें सामिश वेदना होती है और निरामिश वेदना होती है, तो जब कभी बाह्य आवरण का स्पर्श होता है, जो जो आंख है, नाक है, कान है, तो यह क्या है, सब हमारे आयतन है, उसमें हमें समझना है कि जो हमारा मन है वह भी क्या है, एक आयतन है, मन का जो विषय, जैसे आंखों का विषय क्या है, चक्षु है, कानों का विषय ध्वनि है, तो इसी प्रकार मन का विषय क्या है, धम्म है, माने कि विचार है, तो जब विचार उत्पन्न हो रहा है तो जो पश्चपच्चय वेदना हो रहा है, जैसे समझो ये स्पर्श है, त्वचा का विषय क्या है, स्पर्श है, तो ये जो बाह्य कांटेक्ट हो रहा है, तो कांटेक्ट होने से स्पर्श की उत्पत्ति हो रही है, तो पश्चपच्चय वेदना, स्पर्श से वेदना की उत्पन्न होती है, तो इसी प्रकार ये प्रोसेस सेम माइंड में होती है, कि माइंड में जो विचार आया, विचार और मन का जो फस हुआ, तो पश्चपच्चय वेदना उत्पन्न होती है ना, तो पश्चपच्चय वेदना उत्पन्न होती है, और जो वेदना होती है उसमें जो सामिश है, तो सामिश में पूर्व संस्कार भी रहते हैं, पूर्व संस्कार रहते हैं कि माने कि जो थॉट है तुम्हारा, थॉट किसी युवती के प्रति है समझो, तो युवती के प्रति है तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पहचान वाली की है, तो पहचान वाली क्या है, तो पूरा अलग से वेदना उत्पन्न होगी, पहचान वाली नहीं है तो उसकी अलग से वेदना उत्पन्न होगी, है ना, थॉट से कारण, तो इसीलिए हमारे संस्कार भी बहुत उसमें रोल प्ले करते हैं संवेदनाओं को जनरेट करने के, और भगवान ने ये भी कहा कि सभ्य धम्मा वेदना समोसरणा, ये जो हमारे धम्म है वो भी क्या है, वेदना के साथ ही हमें उसकी अनुभूति होती है, या फिर वेदना और ये जो धम्म है मन में विचार चल रहे वो साथ साथ ही चलते हैं, लेकिन वेदना भी क्या है, फस्स पच्चा वेदना, स्पर्श पहले होता है वेदना बाद में होती है, ठीक जी मतलब पैरेलल ही चलते हैं, विचार भी और ये वेदना भी, मतलब ये कहना है, ये हाँ, मतलब मीनिंग है। लेकिन विचार है वो मैटर करते हैं कि कौन से टाइप के विचार है ना, आज से दिन भर तो हजारों हजारों थॉट्स चलते रहते हैं, लेकिन हजारों थॉट्स से तुम्हारे इस शरीर पे वेदना नहीं उत्पन्न होगी, है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे मन में विचार चल रहे हैं तो उससे वेदना नहीं उत्पन्न होगी,
वो भी रेत उल्लेख बहुत सूक्ष्म है ना, उसको ये सूक्ष्म होने के कारण नहीं जान पा रहे, लेकिन जब कौन सा एक थॉट होता है बड़ा वाला थॉट होता है, इंटेंस थॉट होता है ना, तब क्या होता है कि बहुत सारी इंटेंसिटी उतनी इंटेंसिटी के साथ संवेदना शरीर पे जाती है ना, तब हमें पता चलता है कि हाँ थॉट चल रहा है तो संवेदना जाग रही है ना। जैसे क्रोध, किसी ने गाली दी तो फटाक से पूरा वेदना उत्पन्न होता है, वेदना उत्पन्न होने लगती है। तो ये जो प्रोसेस है वो हमारे संस्कारों से निगड़ित है, लेकिन जब जब थॉट चलता है तब तक तो वो संवेदना होती है ना, स्थूल होती ही रहती है लेकिन बहुत सूक्ष्म होती है, इसलिए हम नहीं जान पाते। हमारा चित्त बहुत स्थूल होता है, तो इसीलिए हमें वो विपस्सना करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आनापान करना चाहिए, ध्यान समाहित करना चाहिए चित्त को, है ना। तो इसी प्रकार से हमें वो समझ में आ गया है। तो जैसे कोई मेरे को जैसे कोई दुख पर मतलब कोई मेरे को द्वेष मतलब पता चल रहा है कि वेदना से कि मेरे को द्वेष द्वेष आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो ये मतलब कुछ बड़ा कारण है इसलिए मेरे को समझ में आ रहा है। अगर छोटा कारण होता तो मेरे को समझ में नहीं आता, ये भी मीनिंग हो सकता है इसका। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मीनिंग है ना उसका, कि छोटा है तो जी पता नहीं चलता लेकिन बड़ा है, इंटेंस है, इंटेंसिटी माने कि तीव्रता उसकी। तुम्हारे संस्कार ज्यादा होने की वजह से, समझो कोई व्यक्ति गाली दे, कोई व्यक्ति तुम्हें बुरा कठोर वाणी बोले, जो जी जी अपरिचित व्यक्ति तो ज्यादा बुरा नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हें गाली दे, तुम्हारा मैंने तुम्हारी माता तुम्हें गाली दे, पिता तुम्हें गाली दे, तब बहुत ज्यादा बुरा लगता है। गाली जी शब्द एक ही है लेकिन उसका रिएक्शन तुम्हारे चित्त पे उभर रहा है, तो उससे जो वेदना जनरेट है ना। तो ये जो संवेदना का प्रपंच है वो क्या है, इससे काया से भी वेदना उत्पन्न होती है, वेदना से भी वेदना उत्पन्न होती है, चित्त से भी वेदना उत्पन्न होती है, चित्त पे जो हलचल हो रहे हैं, और जो धम्म है धम्म पे भी जो हलचल हो रही है उससे भी वेदना उत्पन्न होती है। इसीलिए गोलका गुरु जी ने वेदना को मनोपासना करने के लिए सभी चीजें समझाई है अच्छे से। आपने कभी उनका सुना है प्रवचन उनके बारे में, तो वो एक बार सुन लीजिए, आपको वो क्लियर हो जाएगा डाउट। कौन सा वाला आदरणीय पंडित जी? वेदना के बारे में यूट्यूब पे गोविंदा गुरु जी का है, बहुत सारे उन्होंने प्रवचन दिए हैं, हाँ लेकिन काफी ये सारे हैं, पर्टिकुलर मतलब कोई पर्टिकुलर हो तो बताइए आप, वैसे तो नहीं, मैं। पर्टिकुलर नहीं है वो, सभी इसमें एक ही बताते हैं, अलग अलग कुछ बताते नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है। और जैसे ना अभी अभी आप बात भी कर रहे थे, जैसे मेरे को द्वेष या राग जगा, तो मतलब जैसे मेरे को द्वेष ही जगा, चलो तो एक तो उसको देखते देखते रहो कि चलो ठीक है चला जाएगा, अनित्य है इतना बोध करके, क्योंकि हर चीज अनित्य है, वो चला गया। तो इसके अलावा मतलब फिर भी और भी कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि मतलब कि उससे जल्दी हम बच निकल जाएं, मतलब उस द्वेष से। वैसे तो चल ही रहा है वो, फिर तो जैसे मैं देख रहा हूँ, देखते जा रहा हूँ तो। वही तो हमने अभी समझा है ना, तो जी 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 कि जी उसके आधी ना उसके अपोजिट साइड को देखना है, जब जब वो उत्पन्न हुए तो उसके अपोजिट साइड को देखना है। तो जो द्वेष का अपोजिट साइड क्या है, मैत्री भावना है। काम का अपोजिट साइड क्या है, अशुभ भावना है ना। आलस्य का अपोजिट साइड क्या है, स्मृतिमान रहना है। तो ये जो हमारे पांच ये जो होते हैं हर्डल्स होते हैं है ना, तो उसके बारे में हमने महासती पट्टान सूत्र में कभी विस्तार से जाना है। तो महासती पट्टान सूत्र आप उसका देखिए एक बार, अनिच्छा क्या है, विपस्सना क्या है, धम्मानुपस्सना क्या है, तो उसमें हमने अच्छे से समझाया है कि जो जो निस्सरण है कैसे करना है उसका, और जो अपना निवरण है काम छंद व्यापार थिनमिद्य उद्दच्च कुक्कुच्च विचिकित्सा, उसको कैसे हटाना है, तो उसको भी हमने वहां पे उसकी चर्चा की है। तो इसीलिए जब जब समझो तुम्हारे मन में द्वेष जागा तो उसका अपोजिट करना है, मैत्री भाव को उत्पन्न करना है ना। काम काम छंद जागा, काम काम वासना जागे तो उसके अपोजिट आधीनव को देखना है। यह सूत्र हम स्पेशली काम के बारे में था है ना, द्वेष के बारे में नहीं था, तो काम छंद के बारे में था। इसीलिए यहाँ पे आस्वाद जब उत्पन्न हो रहा है मन में, वासना जग रही है, काम की अच्छे अच्छे जग रहा है कुछ तो भी, तो थॉट्स के कारण ही जग रहा है ना। तो इसीलिए हमें उसका अपोजिट थॉट को लाना है वहां पे। अपोजिट थॉट क्या है, काम का अपोजिट क्या है, अशुभ को देखना है, आदिनव को देखना है, उसके जी प्रतिकूल साइड को देखना है। जब प्रतिकूल साइड को देखेंगे तब उसमें लिप्त नहीं होंगे है ना। वासना को जाग रही है तो उसको अशुभ भावना करोगी, ये जो बूढ़ी होने वाली है, जर्जर होने वाली स्त्री है, उसका शरीर गंदा होने वाला है, मरने के बाद सड़ने वाला है, इस प्रकार से अशुभ भावना करने से फिर वो जो काम का विचार है वो शांत हो जाएगा। तो यह क्या है, शांत होने लगा तो इसका मतलब निस्सरण होने लगा। क्यों निस्सरण होने लगा, कि जो अशुभ भावना की हम आस्वाद का जो अपोजिट आदिनव हमने जाना, आदिनव जानने से उसका निस्सरण होने लगा, निस्सरण माने कि प्रहण होने लगा, नष्ट होने लगा। तो जब इसका निस्सरण भी जान लिया कि जब जब कामचंद उत्पन्न होगा तो उसका अपोजिट साइड अगर कर लू तो निस्सरण हो जाएगा,
नंदिर आपको हटा दिया मैंने, नंदिर आपको हटाना क्या है कि उसका निसर्ग। यह भी अगर आपको क्लियर करना है तो आप सब्बासव सूत्र का, हमने यूट्यूब पे मजुम निकाय में उसका बनाया है, इसी मजुम निकाय में भी हम सूत्र देख रहे हैं। तो सब्बासव सूत्र में भगवान बुद्ध ने 7 प्रकार से दुख को मिटाने के लिए बताया है ना। तो इसको आप देखना है कि किस प्रकार से अलग अलग ये करके कंटेप्लेशन करके है ना, और उसका अपोजिट साइड जान के हम क्या कर सकते हैं, उसका प्रहार कर सकते हैं, है ना, प्रहार कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं उसके बारे में, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा उसका प्रहार कैसे करना है। और दूसरा एक देखिए कि आप महासती पट्टा सुत्त, उसमें जो अनिच अनिच्चानुपस्था कैसे करना है, अनिच्च शब्द का अर्थ क्या है और विपस्सना क्या है, ये दो वीडियो आप वहां से देख लेने से आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जी, आदरणीय पिताजी, बहुत बहुत साधु 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 साधु।